अभी आपने नोटिस ज़रूर किया होगा दैट जैकलिन हैज़ काइंड ऑफ डिसअपेयर्ड फ्रॉम बॉलीवुड टाउन। कोई फिल्म एंड ऑल भी रिलीज़ नहीं हुआ है उसका रिसेंटली। सुकेश के साथ जब भी स्कैंडल में उसका नाम आया था ना, तो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड गोइंग डाउन फॉर हर। सो लेट्स जस्ट डिस्कस ये पूरा मामला क्या है। सी, जैकलिन ना हैज़ बिन अराउंड फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ। उसने अपना डेब्यू अलादीन से किया था इन द लेट 2000s, आपको याद होगा, जहाँ बिग बी वॉज द जीनी। उसके बाद से ही ना शी इज़ बिन पार्ट ऑफ सक्सेसफुल मूवीज़ जैसे हाउसफुल सीरीज, रेस 2 एंड मर्डर 2। मिड 2010s के स्टार्टिंग से ही ना शी इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन डांस सॉन्ग्स एंड कैमियो अपेयरेंसेज कपल्ड विद अ फ्यू मूवीज़ जैसे जुड़वा 2। जैकलिन को ना कभी भी उसके एक्टिंग स्किल्स के लिए नहीं जाना गया एंड ऑल्सो शी वॉज नेवर कास्ट फॉर इट ऑनेस्टली। रिमेंबरिंग द एंडिंग फ्रॉम लक बाय चांस, जैकलिन ना वही परस्यू कर रही है वॉट एवर इज़ ब्रिंगिंग हर हैप्पीनेस। एज एन इन्फ्लुएंसर, हर meet and greets, smaller movies and brand endorsements, all of it seems promising for her career. उसका करियर जैसा भी हो, शी स्टिल बिन पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हिट्स एंड काफ़ी एक्ट्रेसेस यहाँ पर जेलिस होती हैं फॉर हर पोजीशन जब भी उसके पीक डेज थे। ऑल्सो एट टाइम्स ना, जहाँ पर पॉपुलैरिटी एंड ऑल की बात होना, दैट्स व्हाट हैपन्स जब भी एक्ट्रेसेस खाली रिलाई करती हैं ऑन देयर लुक्स या फिर इवन डांसिंग। लोग ना इस केस में विल मूव ऑन ईजीली फ्रॉम देम। टू बी ऑनेस्ट, उसने अपना नीश कभी क्रिएट नहीं किया एंड ना ही कभी एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस फॉलोइंग बनाने का ट्राई किया। अभी करंटली ना शी इज़ ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स एज अ लीड एक्ट्रेस एंड अगर शी पुल्स दिस ऑफ ना, तो उसके करियर का लॉन्गेविटी बढ़ जाएगा। बिकॉज अगर अंडर टी सीरीज शी बिकम्स सक्सेसफुल एज एन एक्ट्रेस, तो दे विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन हर एंड गिव हर बिगर अपॉर्चुनिटीज। भूषण कुमार इज़ वे मोर पावरफुल दैन सलमान खान, जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कुछ लोगों के कॉमेंट्स पढ़िए टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑल्सो। Her story is biopic material. Coming from another country, working hard to become a Bollywood actress while dating toxic men, trying to fit in and to make a mark, failing miserably because of a man. She had so much potential to become something. What a waste. अगर हम जैकलिन के कम्प्लीटली डिसअपेयर होने की बात करें ना, तो ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। नवरात्रि इवेंट्स एंड ऑल्सो अवार्ड शो वगैरह पर रिसेंटली वो गई थी, बट एक्चुअल में ना, जब से उसका नेम सुकेश के साथ जुड़ा है, मीडिया इज़ नॉट कवरिंग हर नाउडेज जैसे नौरा या बाकी एक्ट्रेसेस को कवर किया जाता है। वेलकम 3 की शूटिंग भी शी इज़ डूइंग, बस न्यूज़ में नहीं आता है। अभी पहले के टाइम में ना शी वॉज मोर फेमस कि कैसे सलमान ने उसको हेल्प किया एंड स्टफ, बट सैडली अभी शी इज़ मोर फेमस फॉर सुकेश दैन हर फिल्म्स। उसने अपना पूरा इमेज हमेशा के लिए कहीं ना कहीं रुइन कर लिया है बिकॉज ऑफ सुकेश। सलमान की बात करें ना, तो इज़ ऑल्सो हेल्प मैनी पीपल इंक्लूडिंग कपिल शर्मा, हु लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग ड्यू टू हिज फाइट विद सुनील ग्रोवर। अभी कपिल वॉज एबल टू रीबिल्ड हिज लाइफ एंड करियर ओनली ड्यू टू सलमान फुल बैकिंग एज अ प्रोड्यूसर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। सलमान एक्चुअली टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ पीपल हु आर डियर टू हिम। जस्ट लाइक कपिल ना, ही इवन रीबिल्ड गोविंदास करियर एंड गेव अ लॉन्चिंग पैड टू द डॉटर ऑफ हिज लॉन्ग टाइम फ्रेंड सुनील शेट्टी, दैट इज अथिया शेट्टी। ही इवन स्टूड विद कंगना जब ही एवरी वन एल्स डिस्टेंस देमसेल्स फ्रॉम हर। सेम गोज फॉर जैकलिन। अभी ना कहीं सलमान ने भी खुद को जैकलिन से काफ़ी डिस्टेंस कर लिया है बिकॉज सुकेश वाला कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है एंड उसकी रेप्यूटेशन के लिए इट इज़ नॉट राइट। तो जैकलिन काफ़ी अकेली है इंडस्ट्री में आज की डेट में। इस बात का एक और एग्जाम्पल भी है। तो ऐसे ही ना एक टाइम हुआ करता था जब ही जैकलिन फर्नांडिस एंड सोनम कपूर पर हार्ड कॉर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। दे वर जस्ट गोइंग टू अवॉर्ड शोज टूगेदर, पार्टिंग टूगेदर, अटेंडिंग वेडिंग्स एंड इवन ऑल ओवर ईच अदर्स सोशल मीडियाज अकाउंट्स। पर सुकेश स्कैंडल के बाद ही ना इनकी दोस्ती भी वैनिश हो गई। देखो, जैकलिन ने अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स बैक एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदा था, तो शी इज़ डूइंग क्वाइट ओके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल पीपल, यू कैन से येस, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एक्ट्रेस ना इन बॉलीवुड, शी इज़ काइंड ऑफ डन। सुकेश स्कैंडल ने उसके करियर, नेम, फेम, रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अभी लोग हमेशा उसके कैरेक्टर की बातें करते हैं, हार्डली आपको ऐसे कॉमेंट्स
मिलेंगे जहाँ पर उसके लिए कुछ पॉजिटिव लिखा गया होगा. तो इन अ वे शी वॉज हैविंग अ ग्रेटर करियर. उसने मर्डर टू अ जेंटलमैन, जुड़वा, रेस टू, हाउसफुल सीरीज, अ ब्लॉकबस्टर लाइक किक, वो भी विद सलमान खान, जिसका एक डेफिनेटली सीक्वल भी आने वाला था, एंड बंच ऑफ स्मॉलर मूवीज कर रखी हैं. बॉलीवुड एंड ऑडियंस ना हैप्पीली उसको एक्सेप्ट भी कर चुके थे फॉर बींग ब्यूटिफुल एंड ग्लैमरस, बट दैट सुकेश स्कैंडल ना हैपन्ड एंड उसके लिए सब कुछ खराब हो गया. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन जैकलिन फर्नांडिस, एंड आपको क्या लगता है कि अभी उसका करियर ट्रैजेक्टरी कैसा रहेगा? प्लीज़ कॉमेंट्स में नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.